हेलो दोस्तों, PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की जो SSC JEE की 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको हम उसका लेबलिंग पार्ट देख रहे थे, तो उसमें एक पार्ट हो चुका है, तो उसका आगे का देखते हैं। सर्वे का लेबलिंग का पार्ट 2 देख रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी, सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन आए, उन सारी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि टर्म्स ऑफ लेबलिंग, तो सर्वे की लेबल लाइन से समझने से पहले समझते हैं कि पृथ्वी की कर्वेचर को, तो यानी कि पृथ्वी की सतह कैसी होती है, आपकी ज्वाइंट टाइप की मान लेते हैं, यानी कि कर्वेचर, यानी कि आपकी सतह जो होती है वो एक स्फेराइड या ऑबलेट होती है, इसको मान लिए। इसके जो पैरेलल होगी, पृथ्वी की सतह के जो पैरेलल रेखा खींची जाती है, पृथ्वी के पैरेलल जो सरफेस होगी उसको हम कहते हैं लेवल सरफेस। तो उसने लेवल सरफेस के बारे में टर्म, अगर हम लेवल सरफेस पर स्पर्शी डाल दें तो उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल सरफेस, और इसकी जो सेंटर लाइन होगी, यानी कि लेवल लाइन पर प्लम्ब ऑफ लाइन जो होगी उसको हम वर्टिकल लाइन या प्लम्ब ऑफ लाइन कहेंगे। तो लेवल लाइन के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, लेवल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो क्वेश्चन आता है कि लेवल लाइन क्या है, तो लेवल लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल ऑफ द अर्थ सरफेस, कंफर्म पहला। अगला क्वेश्चन है कि करेक्शन ऑफ एलिवेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले करेक्शन ऑफ कर्वेचर, माइनस के होता था d² / 2r cc कर्वेचर, रिफ्रैक्शन की बात आती है तो 1/+ का होता था 1/7 ऑफ द cc, ठीक है। तो cc उससे कोई मतलब, कंबाइंड दोनों को जोड़ देते थे, तो मेन पर्पज आया d² / 2r। तो क्या निकल के आया, d² / 2r। तो जो करेक्शन ऑफ एलिवेशन होता है कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का, वह प्रोपोर्शनल होता है d² / r के। आगे क्वेश्चन से कि रिलेटिविटी फिक्स पॉइंट इज एलिवेशन अबव द डेटम, डेटम से ऊपर, तो डेटम से कभी भी ऊपर मापा जाएगा तो उसको हम कहते हैं बेंचमार्क। डेटम से ऊपर उसका जो एलिवेशन होगा उसको कहेंगे फिर बेंचमार्क, क्या कहेंगे, बेंचमार्क। अब बात आती है डेटम पॉइंट क्या होगा, तो समुद्र लेवल से एक निश्चित सतह पर एक को हम रेफरेंस तल मानेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डेटम सरफेस। तो उस पर जो पॉइंट होंगे उसे हम कहेंगे डेटम पॉइंट। रिड्यूस लेवल, पृथ्वी सतह पर जो पर्टिकुलर समुद्र तल से ऊंचाई होगी उसे हम RL कहेंगे। रेफरेंस पॉइंट, दो पिंडियों की तुलना कर लेंगे, एक RL, एक की RL, ए पॉइंट की RL और बी पॉइंट की RL, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरफेस जो होती है पूरी सरफेस पर जीरो एलिवेशन है अराउंड द अर्थ, अर्थ जो है वो स्लाइटली कैसी है, इररेगुलर और कर्व। पूरी सरफेस पर जीरो एलिवेशन है, यानी कि पूरी पृथ्वी की सतह की ही बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह कैसी होती है, जियोइड सरफेस, याद रखना जियोइड सरफेस। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस एयर, मतलब वो पासिंग थ्रू, तो देखो इंटरसेक्शन क्रॉस एयर से और ऑप्टिकल सेंटर से, जब भी कभी भी इस तरह की एक इमेजिनरी लाइन हो जो इंटरसेक्ट कर रही हो क्रॉस एयर पर, उसके डायफ्राम के इंटरसेक्ट कर रही क्रॉस एयर पर और ऑप्टिकल सेंटर के ऑब्जेक्ट ग्लास, तो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। सबसे पहले लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं, उसी को लाइन ऑफ साइट के समथिंग मानते हैं, लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज जॉइंट कहलाएगी। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या कहलाएगी, तो आईपीस का सेंटर और ऑब्जेक्ट ग्लास का ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली रेखा को यानी कि एक इमेजिनरी रेखा को हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सेंसिविटी जो होती है लेवल ट्यूब की डिक्रीज हो जाएगी, सेंसिविटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम इंक्रीज कर दें, तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को अगर इंक्रीज कर दें तो वो डिक्रीज हो जाएगी, रेडियस कर्वेचर इंक्रीज करें तो भी इंक्रीज होगी, डायमीटर बढ़ा दे तो भी इंक्रीज होगी, लेंथ बढ़ जाए तो भी इंक्रीज होगी, रेडियस बढ़ जाए तो भी, केवल विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन अगर बढ़ते हैं तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राइज फॉल मेथड में रिडक्शन ऑफ लेवल इज प्रोवाइड टू चेक, देखिए जब भी कभी बात आती है राइज फॉल मेथड में, चेक मेथड क्या होता, तो राइज फॉल मेथड में चेक की बात करते हैं।
राइजफॉल मेथड में चेक की बात हमेशा यानी कि समेशन ऑफ बैकसाइड माइनस समेशन ऑफ फोरसाइड, समेशन ऑफ बैकसाइड माइनस समेशन ऑफ फोरसाइड होता है, हमेशा समेशन ऑफ बैकसाइड माइनस समेशन ऑफ फोरसाइड बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, यानी कि कितने चेक प्रोवाइड करता है, यानी कि जो राइज एंड फॉल मेथड होता है वो कितने चेक प्रोवाइड करता है, तो 3 चेक प्रोवाइड कर रहा है, कितने चेक, क्योंकि बैक साइड फोर साइड को, बैक साइड समेशन ऑफ फोर साइड, तो एक, दूसरा क्या कर रहा है फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल, दो, तीसरा क्या कर रहा है कि वो राइज और फॉल को चेक कर रहा है, यानी कि राइज फॉल मेथड में चाहे वो बैक साइड हो, फोर साइड हो, इंटरमीडिएट साइड हो, सारी चीज़ों को ज्ञात किया जा सकता, तो यानी कि बैक साइड फोर साइड, तो बोथ बैक साइड और फोर साइड दोनों आ जाएंगे, ऑप्शंस क्या होंगे बोथ। अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप में जो डंपी लेवल होता है वो क्या है, तो डंपी लेवल क्या होता है, तो डंपी लेवल एक रिजिड फिक्स लेवलिंग होता है, रिजिड फिक्स होती है लेवलिंग हेड की, याद रखना रिजिड फिक्स होती है, कैन बी टिल्ट वर्टिकल प्लेन, नहीं, तो रिजिड फिक्स होती है लेवलिंग पर, फॉलोइंग लेवलिंग डिटरमाइन द एलिवेशन डिफरेंट टू पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज कैरीड डिटरमाइंस एलिवेशन डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट सरफेस, डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट, तो उसको हम क्या कहेंगे डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग। लेवल लाइन क्या होती है, तो लेवल लाइन फिर से आ गई, तो पृथ्वी के माध्य के गोलाकार सतह के समांतर, पृथ्वी के माध्य के गोलाकार सतह के समांतर होती है, वही चीज़ आपसे पूछा गया है कि लेवलिंग ऑपरेशन में क्या इंक्लूड होता है, लेवलिंग ऑपरेशंस में क्या इंक्लूड होता है, क्या सम्मिलित होता है लेवलिंग की जाती, तो यानी कि वो कह रहे सेकेंड साइड ओनली मेन चेंज इन फोर साइड, दूसरी ओर किसी भी परिवर्तन बिंदु पर हमेशा फोर साइड ली जाती, जब चेंज पॉइंट होता है तो यानी कि जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी वो बैक साइड होगी, पहला स्टेटमेंट पर फर्स्ट साइड ऑन एनी चांस इट इज़ अ कॉल्ड बैक साइड, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि फर्स्ट जो साइड ली जाती है एनी चेंज पॉइंट के तो उसको हम बैक साइड कहते हैं, किसी भी परिवर्तन बिंदु पर पश्च दृष्टि रेखा होती है, ठीक है। लाइन ऑफ कमेंस विथ बैक साइड और क्लोज इन फोर साइड, तो याद रखना कि कभी भी जब भी लेवलिंग ऑपरेशन की बात की जाती है तो लेवलिंग स्टार्ट कहाँ से करते, बैक साइड से, ख़त्म कहाँ पे करते, फोर साइड पर, यानी कि स्टेटमेंट सी बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर होगा, क्या होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राइज फॉल मेथड में हम प्रोवाइड चेक करते हैं, कंप्लीटली चेक कर सकते हैं बैक साइड को, इंटरमीडिएट साइड को, फोर साइड को, ऑल ऑफ दी, तीनों को चेक कर सकते हैं, कितने चेक कर सकते हैं 3। तल मापन की पूर्ण विधि के लिए राइज फॉल मेथड में हम चेक कर सकते हैं 3। अगला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर किया जाता है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर एल ऑफ बी एम इंटू बैक साइड, आर एल ऑफ बी एम, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कभी भी बात करें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, जो भी आर एल जिस भी पॉइंट की होती है उसमें बैक साइड जोड़ दीजिए, तो क्या पता चल जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आर एल ऑफ बी एम प्लस बैक साइड। अगला क्वेश्चन है कि स्टाफ रीडिंग, जो स्टाफ रीडिंग होती है एलिवेशन डिटरमाइन टू चेंज पॉइंट, चेंज पॉइंट पर जो स्टाफ रीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, तो जब चेंज पॉइंट पर यानी कि ऐसे बिंदु पर लिए गए गज पाठ्यांक को क्या कहा जाता है जिसका उत्थान परिवर्तन के बिंदु के रूप में निर्धारित किया जाना है, उसको हम कहते हैं फोर साइड रीडिंग, उसको क्या कहते हैं फोर साइड रीडिंग। एनालिटिक लेंस जो होता है, एनालिटिक जो लेंस होता है वो किस में प्रोवाइड किया जाता है, तो थियोडोलाइट में, टेकोमीटर में, डंपी लेवल में या प्रिज्मेटिक कंपास में, तो उसको हम कहाँ करते हैं टेकोमीटर में, कहाँ पे करते हैं एनालिटिक लेंस टेकोमीटर में। टेकोमीटर की बात करें तो आपके लिए एक फॉर्मूला याद आता है डी बराबर के एस इंटू सी, के होता है मल्टीप्लाई कांस्टेंट और सी क्या होता है एडिटिव कांस्टेंट, तो सी क्या हो जाएगी जीरो एनालिटिक लेंस के लिए मल्टीप्लाई 100, तो के बराबर 100, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होते हैं। अगर बात करें के की, तो के की जो वैल्यू होगी वो एफ अपॉन आई यानी कि फोकल लेंथ अपॉन स्टीडिया इंटर इंटरवल, और जो सी होता है वो क्या होता है एफ प्लस डी, एफ प्लस डी यानी कि फोकल लेंथ और दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आई पीस और ऑप्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको कहेंगे फिर डी। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर लेवल ऑफ द स्टिल लेक, जो पृथ्वी यानी कि शांत पानी भरा है पूरी झील में,
तो वो किसको शो कर रहे हैं, एक लेवल सरफेस को शो कर रही है पूरी, वो झील जो है जो पानी भरा है पूरी सरफेस पे क्या एक सा प्लेन दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं लेवल सरफेस, उसको क्या कहते हैं लेवल सरफेस। कौन सा निम्नलिखित में से मेजर करेगा प्लानीमीटर, तो प्लानीमीटर क्या करता है एरिया को मेजर, याद रखना इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो सवाल आते हैं तो प्लानीमीटर आपका एरिया को मेजर करता है, प्लानीमीटर आपके एरिया को मेजर करता है। और एक होता है पेंटाग्राफ, तो पेंटाग्राफ जो होता है वो आपके प्लान को या स्केल को या किसी भी चीज़ को, प्लान स्केल या एरिया को कोई लार्ज करता है, या तो लार्ज कर देता है या फिर स्मॉल कर देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है, लार्ज कर देता है, बढ़ा देता है या छोटा कर देता है, याद रखना पेंटाग्राफ वो होता है आपका पेंटाग्राफ। अगला क्वेश्चन से कि एम्बैंकमेंट से रिलेटेड जो टर्म दे रखे हैं ट्रेपोजोडल मेथड क्या होता है, तो याद रखना ट्रेपोजोडल का जो फॉर्मूला होता है तो यानी कि ए वन प्लस ए एन बाई टू प्लस ए टू ए थ्री डेड डेडस आगे जितने भी हों ए एन तक, क्लियर ए एन माइनस वन तक, लास्ट क्या आएगा ए एन माइनस वन आएगा, आएगा लास्ट पर बटे इनटू मल्टीप्लाई डी कर दीजिए ठीक या एच। तो जब भी कभी आता है तो ट्रेपोजोडल मेथड, तो याद रखना ट्रेपोजोडल मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो रहा था ए वन प्लस ए एन, तो चार दे रखे तो ए एन क्या हो जाएगा ए फोर, तो ए वन ए फोर अपॉन टू ए वन प्लस ए फोर अपॉन टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ए टू प्लस ए थ्री इंटू एल इंटू एल, क्योंकि कितना सेक्शन के बीच अंतराल है, इंटरवल दे रखा तो एच हो जाएगा, क्लियर तो एच हो जाएगा, याद रखना एच इंटरवल क्या दे रखा एच, तो क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए फोर अपॉन टू ए टू प्लस ए थ्री इंटू मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच, इसको हम ट्रेपोजोडल रूल कहते हैं। तो आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन से इसी रिलेटेड सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है एक कैलकुलेट करना है आपको किससे ट्रेपोजोडल मेथड से, तो अभी ट्रेपोजोडल मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ था ए वन ए एन बटे टू प्लस ए टू ए थ्री ए फोर जो भी है ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई जो उसका अंतराल है डिस्टेंस एच थी ठीक, ये था। अब उसने कहा है थ्री कांस्टेंट दे रखे हैं ट्रेपोजोडल मेथड से, इंटरवल कितना है 20 मीटर, तो देखिए एरिया ए वन कितना दे रखा है एरिया दे रखा है 20 मीटर सॉरी एरिया दे रखा है आपको पहला 40, यानी कि ए वन 40, ए टू कितना है 50, ए थ्री कितना है 80 ठीक। अब आपको सॉल्व करना है, तो जब ट्रेपोजोडल रूल्स की बात करते हैं तो पहला क्या आएगा ए वन, तो ए वन 40 प्लस ए लास्ट क्या है 80, 40 प्लस 80 बटे 2 तो यानी कि 120 बटे 60 प्लस ए टू आ जाएगा 50, 110 मल्टीप्लाई 2, 110 गुणा 20 तो 110 गुणा 20 यानी कि 2200, आंसर कितना आ रहा 2200, तो याद रखना तो इसको आप कर सकते हैं ट्रेपोजोडल मेथड से। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है ट्रेपोजोडल मेथड यूज करना है, अगला क्वेश्चन भी है आपका इंक्लूडिंग ट्रेपोजोडल मेथड से, ये ए वन दे रखा है ये ए टू दे रखा है ये ए थ्री दे रखा है ये ए फोर दे रखा है और ये ए फाइव दे रखा है, हेक्टेयर में दे रखे हैं सारी चीज़ें, एरिया दे रखा है, अंतराल 10 10 10 10, तो यानी कि अंतराल कितने का 10 का, तो आप क्या करेंगे ट्रेपोजोडल मेथड से लगाना है, कौन से ट्रेपोजोडल से, तो ए वन प्लस ए फाइव बटे टू, फॉर्मूला क्या बनेगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, तो ए वन प्लस ए फाइव बटे टू प्लस ए थ्री ए टू ए थ्री और ए फोर मल्टीप्लाई उसका अंतराल जो है वो कितना है 10, क्लियर तो इसको रखते हैं ए फाइव 205 और 135,
तो ये कितना हो गया 340, 340 का दो गया तो 170, कितना हो जाएगा 170, 170 आ जाएगा, 170 प्लस 120, 145 और 195, ठीक 95। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये जो पूरा आएगा यानी कि जो हेक्टेयर में आएगा, हेक्टेयर में आएगा उसमें क्या करना, 10^4 का मल्टीप्लाई कर देना, 10^4 का मल्टीप्लाई और कर देना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर क्यूब में। क्लियर। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज इररेगुलर एम्बैंकमेंट, जब आपकी पृथ्वी की जो सरफेस है वो इररेगुलर हो तो आप कौन सा अपनाएंगे, सिम्पसन मेथड। अब सिम्पसन मेथड जब हम अपनाएंगे, जब इररेगुलर है और हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, सिम्पसन मेथड, तो सिम्पसन मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सिम्पसन मेथड का फॉर्मूला होता है T/3 a1 plus an 4 into even वाले जितने भी टर्म हैं प्लस 2 into odd वाले जितने भी टर्म हैं। तो याद रखना, तो यानी कि D/3 यानी कि 1/3 a1 plus an होता है, 4 into even टर्म्स होते हैं, 2 into odd टर्म्स होते हैं, तो याद रखना। तो इसको सिम्पसन मेथड कहते हैं। इस सिम्पसन मेथड से इररेगुलर का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम अनुपात यानी कि बेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट होता है सिम्पसन रूल। अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेपोजोइडल मेथड से आप फिर बता दीजिए, तो ट्रेपोजोइडल मेथड हम बता ही चुके हैं कि यानी कि an यानी कि a प्लस an a अपॉन an बाई 2 प्लस a2 प्लस a3 इसी तरीके से जो भी लास्ट तक होगा a4, तो ये सारी चीज़ें इनटू मल्टीप्लाई d। तो आप सवाल देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 30 मीटर का अंतराल है, a1 दे रखा, a2 दे रखा और a3, यानी कि आपको क्या पता है, a1 पता है, a2 पता है और a3, ठीक। कितना है 20, 40 और 50, कितना है 20, 40, 50, ठीक, मीटर स्क्वायर में सारे टर्म। और डी जो है वो अब देखते हैं, तो डी इंटू 30 मल्टीप्लाई ए प्लस ए एन, तो यानी कि 70, 20 + 50/2 और प्लस 40, तो 3540, 75, 75 मल्टीप्लाई बाई 30, जब 30 से करोगे तो 2250, कितना 2250। अगला क्वेश्चन है कि मिड सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड सेक्शन फार्मूला, तो मिड सेक्शन फार्मूला होता है b into dm प्लस sdm स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई l, यानी कि जो मिड सेक्शन फार्मूला होता है, मिड सेक्शन फार्मूला होता है b into dm into s into dm का होल स्क्वायर into l, मिड सेक्शनल मेथड। यानी कि दो पॉइंट की अलग अलग ऊंचाई होंगी, तो यानी कि दो पॉइंटों की मान लीजिए ये d1 है और ये d2 है, दो पॉइंट ले रहे हैं, ये इसकी ऊंचाई d1 है और इसकी d2, तो मिड वाली क्या हो जाएगी, मान लीजिए dm हो जाएगी, dm बराबर क्या हो जाएगा, d1 + d2/2 हो जाएगा। तो याद रखना dm हो जाएगी, मान लीजिए किसी क्षेत्र की चौड़ाई जो है उसकी जो विड्थ थी वो जी जो दे रखी है वो कितनी है, बी मीटर, कितना है बी, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा, स्लोप दे रखा होगा आपको 1:1 या जो भी है, तो उसको s:1 के टर्म में लिख के, तो यानी कि b into dm into s dm का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो मीन डेप्थ जो होती है, एवरेज मीन डेप्थ क्या होती है, एवरेज टू कॉन्सिक्यूटिव सेक्शन, तो पहला स्टेटमेंट कन्फर्म। एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेट यूजिंग मीन डेप्थ, एरिया जब मिड सेक्शन से निकालते तो मीन डेप्थ कैलकुलेट करते, ये भी बस सही है। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट मल्टी मिड सेक्शन एरिया बिटवीन डिस्टेंस, ये भी वन सही है, यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि अजम्पशन जो होती है ट्रेपोजोइडल फार्मूला इज वॉल्यूम इज बेस ऑफ एंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन एंड सेक्शन पिरामिड इज हाफ एवरेज इज एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्मेटिकल ओवर एस्टिमेटेड हेंस इन अ प्रिज्मेटिक करेक्शन, आपसे उसने कहा था क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो यानी कि ट्रेपोजोइडल जो फार्मूला है उससे रिलेटेड टर्म्स है। ट्रेपोजोइडल फार्मूला, तो ट्रेपोजोइडल फार्मूला में क्या होता है, ट्रेपोजोइडल फार्मूला क्या होता है, तो इसके जो एंड होते हैं, एंड सेक्शन होते हैं,
वो समांतर तल होते हैं। कैसे प्लेन होते हैं? एंड सेक्शन के समांतर तल होते हैं। मिड एरिया कभी भी पिरामिड इज हाफ इन एवरेज एरिया ऑफ द एंड, अंतिम सिरों के औसत क्षेत्र का, यानी कि पिरामिड के बीच का क्षेत्रफल अंतिम सिरों के औसत क्षेत्रफल का आधा होता है। वॉल्यूम अगर निकालना हो तो एस्टिमेटेड हैंड सब प्रिज्मेटिकल करेक्शन इज अप्लाइड, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही। तो ये इसमें से जो ऑप्शंस होगा बेटर सबसे, यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब आता है ट्रेपेज़ॉइडल फार्मूला कौन सा है। तो ट्रेपेज़ॉइडल फार्मूला अभी बता चुके हैं। ट्रेपेज़ॉइडल फार्मूला क्या है? ए नॉट प्लस ए एन बाई टू होगा, उसके टर्म्स होंगे, तो यानी कि जो आएगा तो वो कौन सा होगा? डी इंटू ए नॉट प्लस ए एन प्लस ए वन प्लस ए टू ए थ्री प्लस ए फोर इंटू ए एन माइनस वन। अगला क्वेश्चन है डी इज अ कॉन्स्टेंट प्रिज्मोटिकल फार्मूला, तो प्रिज्मोटिकल फार्मूला भी वही होगा, यानी कि प्रिज्मोटिकल फार्मूले को हम सिम्पसन रूल भी कहते हैं। तो डी वाई थ्री, डी वाई थ्री फर्स्ट इंटू लास्ट प्लस फोर इंटू इवन प्लस टू इंटू ऑड, यानी कि फोर इंटू इवन देख लीजिए सबसे पहले, तो पहले वाले में फोर इंटू इवन नहीं है तो पहला तो कैंसिल आउट, दूसरे वाले में नहीं है ये भी कैंसिल आउट, तीसरे वाले में देखिए फोर इंटू इवन तो फोर इंटू इवन है, तो डी वाई थ्री भी है। डी वाई थ्री इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट एरिया फोर इंटू इवन प्लस टू इंटू ऑड, इसी फॉर्म मेथड को हम क्या कहते हैं? इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? प्रिज्मोटिकल फार्मूला। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिज्मोटिकल फार्मूला या सिम्पसन रूल। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।